सोलन अस्पताल में अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती रोगियों से मिली जानकारी के अनुसार यहां पानी की बूंद तक नहीं है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोगियों का कहना है कि अस्पताल में गर्मी के समय पानी ना मिलने के कारण रोगी मुंह तक नहीं धो पाते। यहां हॉस्पिटल में पानी नहीं है जी, ना टॉयलेट में है ना पीने का, तो ये कल रात से आ नहीं रहा, बहुत दिक्कत हो रही है जी सबको। पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है और पीने के लिए भी पानी नहीं है। बाथरूम गंदे पड़े हुए, लेटरिन गंदी है, बिल्कुल कोई जा नहीं सकता, पर बहुत बुरी बदबू आ रही है। जहाँ एक तरफ रोगियों को कीटाणु रहित वातावरण देने की बात कही जाती है, वहीं पानी की किल्लत के कारण ना तो अस्पताल के बाथरूमों की सफाई हो सकी और ना ही वार्ड की। सोलन से चिन्मय कौशल, पंजाब केसरी टीवी के लिए।